हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट बुक्स विद HSR में आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम बुक्स के बारे में डिस्कस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में आपको गुलीवर की लिलीपुट यात्रा के बारे में बताना चाहूँगा, जिसके पब्लिशर सरस्वती ट्रस्ट हैं। इस उपन्यास में लेखक ने इसे काफ़ी रोचक, साहसिक और सच्चाई के रास्ते पर चलने की हमें प्रेरणा दी है। साथ साथ सुंदर चित्रों को से इसे सजाया गया है। इस उपन्यास को 5 चरणों में लिखा गया है। पहला चरण है संघर्षपूर्ण यात्रा, दूसरा बौनों की गुलामी, तीसरा आज़ादी की जंग, चौथा अकेले ने जीता सारा देश, पांचवा षड्यंत्र और स्वतंत्रता। नंबर एक, संघर्षपूर्ण यात्रा में लेखक ने समुद्री यात्रा के दौरान तूफान में फंसे होने की वजह से वह दूसरे द्वीप में पहुंच जाता है, जहां वो देखकर उसे काफ़ी आश्चर्यचकित होता है। उस चीज़ का बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया है। दूसरा है मौनों की गुलामी। नायक दूसरे द्वीप में पहुंचने के बाद वहां पे छोटे छोटे लोगों को देखता है, जिनकी हाइट 6 इंच तक की होती है, अपने आप को उनके बीच में कैद हुआ पाता है। तीसरा है आज़ादी की जंग। पहाड़नुमा इंसान कैसे अपनी आज़ादी के लिए बादशाह को बार बार अपनी गतिविधियों से आकर्षित करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है और बादशाह उन्हें आज़ादी से घूमने के लिए इस बात की परमिशन देता है, उसका बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। नंबर 4, अकेले जीता सारा देश। नायक आज़ाद होने के बाद समुद्र के किनारे जब वह घूम रहा था, उसने देखा कि दूसरे द्वीप के लोग जिस द्वीप में वह रह रहा है उसे गुलाम करने बनाने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। तो वहाँ पे नायक ने उनको कैद कर किस तरीके से अपने राज्य में लेके आया, उसका वर्णन किया है। नंबर 5, संयंत्र और स्वतंत्रता। बाद में नायक को यह महसूस होता है कि उसे भी अपने देश वापिस जाना चाहिए। उसे अपने बच्चों की याद आने लगी और वह घर की ओर जाने के लिए उत्साहित हुआ, तो उसने बादशाह से इसके लिए रिक्वेस्ट करी, अपने बारे में बताया, जिससे बादशाह ने उसको अपने देश इंग्लैंड जाने की परमिशन दे दी। इस सब का इसमें बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये किताब आप कैसे खरीद सकते हैं। इस किताब को आप अपने शहर के नज़दीकी बड़े बुक सेलर की दुकान में आसानी से खरीद सकते हैं। ये ओपन मार्केट में बड़ी आराम से मिल जाती है। काफ़ी पॉपुलर किताब है ये, गुलीवर की लिलीपुट यात्रा। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो का यहीं पर अंत करते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।